यू आर वाचिंग गली न्यूज़। आप शिवसेना की पार्टी में घूम रहे हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शायर रहते हो, मुंबई में एमआईएम की एक्टिविटी का में एक इफ्तार पार्टी नहीं कुछ मुंबई का ही फैसला इतना था वो क्यों एमआईएम अपने आप को कमजोर समझ रही है कि फैसला नहीं ले पा रही है, कहाँ से खड़ा रहना है? बात चल रही है कि आप लड़ने वाले हो, तैयार हो लड़ने वाले? मैंने क्या कहा, जो पार्टी लड़ने के लिए लड़ोगे कि जीतने के लिए लड़ोगे? तो आज इस्लाम जिमखाना में यहाँ पर इफ्तार पार्टी रह गई थी, सीएम साहब आने वाले थे, आए नहीं। देखा जाए तो ये शिवसेना की जो है पार्टी थी एकनाथ शिंदे साहब की। बात करते हैं, वारिस पठान जी भी यहाँ पर मौजूद है। वारिस भाई, आप शिवसेना की पार्टी में घूम रहे हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी में? देखिए, मेरे दोस्त है मुख्तियार, मिलिंद देवरा की पार्टी में? नहीं, पार्टी मेरे दोस्त मुख्तियार वराया साहब जो है, उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी इफ्तार की दावत थी, हम यहाँ आए और तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं जी। बिल्कुल, मिलिंद देवरा जी यहाँ पर है, डॉक्टर शरीका शिंदे साहब यहाँ पर है, पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजी साहब है और काफ़ी यूसुफ अबरानी साहब हैं, तो यहाँ पे आए हमारे बुलाए मुख्तार साहब से, हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात और अच्छा एटमोसफियर है। रमज़ान की रौनक, रमज़ान की बरकत देखिए, आप सब आए रोज़ा इफ्तार करने के लिए, हमने भी खोला, बहुत नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि लोग एक नज़र से देखते हैं कि कुछ लोग अगर पार्टी में रहते हैं सोचते हैं अरे कहीं ये शामिल तो नहीं हो गया। अरे नहीं, अभी आप देखिए पूरे देश भर में इफ्तार की दावत चल रही है, हमारे पार्टी के सदर कांग्रेस सीएम सब साथ में बैठ के इफ्तार है ना, रमज़ान का मुबारक पाक 10 महीना है, इसमें कोई सियासत नहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ एक मोहब्बत अमन और यहाँ से दुआ हुई देश भर के लिए अमन सुकून शांति के लिए, कोई पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं होती। एमआईएम की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, क्या बात है हमारी? आपके रहते हुए आप पूरे देश भर में शायर रहते हो, मुंबई में एमआईएम की एक्टिविटी कम है, एक इफ्तार पार्टी नहीं कुछ भी नहीं? मुंबई में आपने देखा नहीं इफ्तार पार्टी, फिर शायद आपको बुलाना भूल गए। बाइक अल्लाह के हर वार्ड में, जोगेश्वरी में, मैं वो इफ्तार पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। मैं पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी का इस वक्त ऐसा है सलीम भाई, किसी ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट है शायद कुछ उसमें पॉलिटिकल, ये ऐसा शायद, मैं तो हर साल करता हूँ, आपको तो पता है। लोग कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, इनको तो लगता ही नहीं, हम बैनर बोर्ड नहीं लगाते, हम अपने हर वार्ड में बाइक अल्लाह में हो गई, मुंबा देवी में कर दिए, जोगेश्वरी, और यकीन मानिए सलीम भाई घर में अब तक 2 रोजे खुलो, सारे रोजे बाहर खुले, 3-3 शहरियों में बाहर गया हूँ। एमआईएम का क्या स्टैंड है अभी? एमआईएम तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जो तक तो देखने, अभी क्या देखना, अभी तो फैसला लेने की बात है। किधर फैसला है, कहाँ फैसला अभी है? तो फैसला होना चाहिए ना कि भाई लेंगे फैसला लेंगे। मुंबई का ही फैसला इतना था वो क्यों एमआईएम अपने आप को कमजोर समझ रही है कि फैसला नहीं ले पा रही है, कहाँ से खड़ा रहना है? बीजेपी ने कहाँ फैसला ले लिया, कमजोर है कांग्रेस, बड़ी बड़ी पार्टियों ने अब तक फैसला नहीं लिया, उन्होंने तो कुछ सीट तो डिक्लेयर किया, हमारी भी तो डिक्लेयर हो गई ना, तेलंगाना में हुई, औरंगाबाद में हुई, किशनगंज में हुई, इंशाल्लाह मुंबई के अंदर भी बहुत जल्दी पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब फैसला लेंगे और आपके माध्यम से बात चल रही है कि आप लड़ने वाले हो मुंबई से। अब देखिए जो पार्टी डिसाइड करेगी, हमें तो इंटरनल बात हुई ना, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी बोलेगी वारिस पठान तुमको चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, पार्टी बोलेगी कैंपेन करना है, तैयार हो लड़ने? मैंने क्या कहा, जो पार्टी लड़ने के लिए लड़ोगे कि जीतने के लिए लड़ोगे? हमने हमेशा से लड़ा है तो जीतने के लिए ही लड़ा है। साथ मुंबई से जीत, आपका आंकड़ा कहाँ बैठ रहा है? ये तो पब्लिक पे छोड़ो, पब्लिक का तुम इंसल्ट मत करो, पब्लिक जनता जनार्दन है, वो वोटर है, वो जिसको चाहेगी उसको वोट दे के जिताएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं दिखाएगी, सिंपल गणित ये है। 14 में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि जीतूंगा इंशाअल्लाह, लोगों ने दुआओं से नवाजा और 2 टाइम के सिटिंग एमएलए को मैंने हरा दिया ना, पब्लिक ने हराया, अगर पार्टी देगी टिकट लड़ेंगे तो वही, उसके बाद तो आप भी हारे, उसके बाद ज्यादा वोट लिए, पहले 25,000 वोट लेके जीते और 34,000 वोट बाद में लिए। क्या पोजीशन है मैम की हिंदुस्तान में, सब जगह जा रहे, बिहार में जा रहे, यूपी में जा रहे, क्या पोजीशन? बहुत अच्छी है, पार्टी को एक विकल्प के तौर पे लोग देख रहे हैं और पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये एक ऐसी पार्टी जैसे कोई छोड़ के तो कम से कम नहीं जाते, धोखा तो नहीं देते सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर दूसरी पार्टियों में जाने का तो सिस्टम नहीं है अपने यहाँ। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज वाहिद एक आवाज़ है पूरे देश भर में, आप हम सब देखते हैं कि जो हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, तो पब्लिक देखती है और जनता है समर्थन देती है, दुआओं से भी नवाजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, रमजान मुबारक आपको।